गृह मंत्री अमित शाह दो दिवसीय दौरे पर असम पहुंचे। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने स्वागत किया, कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मियां तेज, विपक्षी दलों ने परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को किया खारिज, हालात पर आज करेंगे चर्चा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आज, एआईसीसी मुख्यालय में होगी मीटिंग, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर होगी चर्चा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष को मिला बड़ा मुद्दा, पेपर लीक मामले से घिर रही है सरकार, आज कांग्रेस का प्रदर्शन। मिशन राजस्थान पर बीजेपी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा 10 और 11 मई को राजस्थान दौरे पर रहेंगे, चुनावी रणनीति पर करेंगे चर्चा। यूपी की गरमाई सियासत, ईवीएम को लेकर प्रदर्शन करने पर जेल में बंद सपा कार्यकर्ताओं से आज मिलेंगे अखिलेश यादव। चंपावत उपचुनाव के लिए आज नामांकन करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, 31 मई को होगी वोटिंग, बीजेपी विधायक ने छोड़ी है सीट। शाहीन बाग में बुलडोजर पर ब्रेक, पुलिस ने फिर खड़े किया हाथ, एमसीडी ने प्लान पर लगाई रोक। देश में बड़े कोरोना के मामले, 24 घंटों में 3,207 नए केस आए सामने, एक्टिव केस 20,403 हुए। आज भीषण चक्रवात में बदल जाएगा आसानी, बंगाल उड़ीसा में तूफान बारिश का अलर्ट, दूसरे राज्यों पर भी दिखेगा असर। अमेरिका ने बढ़ाया मदद का हाथ, अमेरिका आने वाले हफ्तों में यूक्रेन में फिर खोलेगा दूतावास, भेजे जाएंगे राजनयिक। रूस के खिलाफ प्रतिबंधों का दौर जारी, G7 देशों ने रूसी तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाने का संकल्प लिया। रूस बेलारूस के खिलाफ ब्रिटेन के नए प्रतिबंध, 1.7 बिलियन पाउंड का व्यापार होगा प्रभावित, रूस को होगा ज्यादा नुकसान। क्यूबा की राजधानी हवाना के होटल में हुए ब्लास्ट में जांच तेज, मरने वालों की संख्या हुई 31। यूक्रेन और रूस के बीच जंग जारी, यूक्रेन का दावा 190 रूसी सैनिकों को हराया, 15 टैंक तबाह किए। अपनी सर्विसेज को आसान बना रहा है ईपीएफओ, प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को बड़ी राहत, पेंशन पेमेंट ऑर्डर देने की व्यवस्था। एलन मस्क को सता रहा है जान का खतरा, ट्वीट कर लिखा, संदिग्ध हालात में मेरी मौत होती है। इंडिगो ने दिव्यांग बच्चे को फ्लाइट में सवार होने से रोका, डीजीसीए ने जांच की शुरू, इंडिगो से मांगा जवाब। तेल कंपनियों ने जारी किए पेट्रोल और डीजल के दाम, दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 105.41 रुपए प्रति लीटर, डीजल 96.67 रुपए प्रति लीटर। रेल यात्रियों को होगी परेशानी, 200 गाड़ियां की रद्द, कई ट्रेनों का बदला समय। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।